वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोगों के लिए बातचीत का टॉपिक है प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। ठीक है, ये बहुत बहुत मेरे पसंद का टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना और इसके बारे में बात करना। देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें बताने लायक जो आपको बतानी है मुझको, कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हम क्यों प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए, है ना। क्यों हम इंटेलिजेंस के लिए या किसी और चीज के लिए प्रोजेक्टिव टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों पर्सनैलिटी के लिए पड़ती है, पहली बात। और दूसरी बात कि मैंने सिर्फ इसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट को लिया है, लेकिन अगर आपसे पर्सनैलिटी का असेसमेंट या मेजरमेंट पूछा जा रहा है तो आप शुरू से बता सकते हैं कि कई तरीके हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है और प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आसान है, आप उसको बुक से पढ़कर समझ सकते हैं, पर प्रोजेक्टिव में थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इसको बताने समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहली बात कि क्यों प्रोजेक्टिव टेस्ट की जरूरत पड़ी पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए। तो जब हम पर्सनैलिटी को नापने चलते हैं तो हम इंटरव्यू भी कर सकते थे इसके लिए। तो मान लीजिए हम इंटरव्यू करने जाते हैं, तो इंटरव्यू करेंगे तो क्या होगा कि हम किसी से क्या पूछेंगे डायरेक्ट, आपकी क्या पर्सनालिटी है, या आपके कोई ये बताएगा कि मेरी विकार पर्सनालिटी है या मेरी पर्सनालिटी में ये ऐब है जो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यही होती है पर्सनैलिटी के साथ कि जब हम किसी से पर्सनैलिटी के लिए इंटरव्यू कराते हैं या रेटिंग स्केल कराते हैं, हम कहते हैं आप रेट कीजिए, तो कोई ये नहीं बताता है जैसा वो सोचता है, वो उस हिसाब से आंसर देता है जो सोशली डिजायरेबल होता है, है ना। किसी के अंदर बहुत मान लीजिए हिंसक प्रवृत्ति है, तो हम उससे रेटिंग करेंगे कि अहिंसा किस प्रकार का गुण है, तो उसको भले वो अच्छा ना लगता हो, उसको रेट ना करता हो, अहिंसा को ना फॉलो करता हो, लेकिन उसको बहुत अच्छा टिक कर देगा। हम कैसे पता करें कि वो जो टिक कर रहा है रेटिंग स्केल में या क्वेश्चनियर में भर रहा है या इंटरव्यू में बता रहा है वो सही है या नहीं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना कि सोशली डिजायरेबल मतलब समाज हमसे क्या चाहता है, समाज के लिए क्या वांछनीय है, ये हम जानते हैं। इसलिए जब हम सवालों के जवाब देते हैं तो उस हिसाब से मोल्ड कर देते हैं ताकि हमारी अच्छी प्लीजेंट पर्सनैलिटी निकल कर आए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी पर्सनैलिटी नापने के लिए, इसलिए प्रोजेक्टिव टेस्ट इजाद किए गए इसके लिए। देखिए क्या चीज है ये, कि ए प्रोजेक्टिव टेस्ट इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इन विच यू ऑफर, यू मतलब जो परीक्षण करता है, जो परीक्षण करने जा रहा है वो क्या करेगा, ऑफर रेस्पॉन्सेज टू एम्बिगुअस सीन्स। एम्बिगुअस मतलब जो क्लियर नहीं है पिक्चर, उसके लिए हम रेस्पॉन्सेज मांगते हैं आपसे। तो आपको हम एम्बिगुअस क्या दिखा रहे हैं, कोई सीन दिखा सकते हैं, कुछ वर्ड्स दे सकते हैं आपको या कुछ इमेजेस दिखा सकते हैं, और फिर आपके रेस्पॉन्सेज सीख किए जाएंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, सॉरी, The goal of such test is to uncover the hidden conflicts or emotions, है ना, that you project onto the test. क्योंकि हम अपना हिडन कॉन्फ्लिक्ट, हमारे मन का कोई द्वंद है, हमारा कोई संवेग है जो मन में छुपा हुआ है, वो हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, प्रक्षेपित कर देते हैं जो हमसे एम्बिगुअस चीज पूछी जा रही है उसके ऊपर। इसीलिए इसको प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं, इसलिए इसको प्रोजेक्टिव टेस्ट का नाम दिया गया है। विद द होप दैट दीज इश्यूज कैन देन बी एड्रेस्ड थ्रू साइकोथेरेपी और अदर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स। तो अगर हमारे मन का कोई कंफ्लिक्ट है, कोई इमोशन है जो डायरेक्टली किसी बातचीत में निकल के नहीं आ रहा है, तो वो इस तरीके से इनडायरेक्टली प्रक्षेपित हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा, और फिर हम कोई साइकोथेरेपी या कोई ट्रीटमेंट देके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके पीछे का पूरा जिस्ट या लॉजिक है, ठीक है। अब बात करते हैं ओरिजिन, कहां से शुरुआत हुई, कब बात की गई प्रोजेक्टिव टेस्ट की। तो दिस टाइप ऑफ टेस्ट इमर्ज्ड फ्रॉम द साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट। हम सब लोग साइको एनालिसिस पढ़िए, फ्रायड का जो कंसेप्ट है साइको एनालिसिस, यानी कि मन के अंदर जो चल रहा है, उन्होंने कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात की, तो उसके विश्लेषण का जो पूरा स्कूल है, जो थॉट है, उससे ये टेस्ट निकल के आया है, जो क्या कहता है, विच सजेस्टेड दैट पीपल हैव अनकॉन्शियस थॉट्स और अर्जेस। जो कौन, साइको एनालिसिस ये हमको सजेस्ट करता है कि लोगों के मन में बहुत सारी इस तरीके की इच्छाएं, दबे हुए विचार, कुछ इस तरीके का अनकॉन्शियस होता है। और प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या करता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट्स आर इंटेंडेड टू अनकवर फीलिंग्स, डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर हिडन फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। मतलब कॉन्शियसली हमारे मन में नहीं चल रहा है, लेकिन अनकॉन्शियस जो अनकवर है, जो बाहर निकल के नहीं आई, ऐसे सारी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, जो हमारा द्वंद है, उसको बाहर निकालने की एक प्रक्रिया क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट। और क्या है, बाय इंटरप्रेटिंग रेस्पॉन्सेज टू एम्बिगुअस क्यूज साइको एनालिस्ट
होप टू अनकवर अनकॉन्शियस फीलिंग्स दैट माइट बी कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन ए पर्सन्स लाइफ। क्यों ऐसा कर रहे हैं साइको एनालिस्ट? क्योंकि हमारे मन के अंदर अगर कोई चीज, कोई इच्छा है बहुत बुरी तरह से दबी है और वो बाहर निकल कर नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ में, पर्सन की लाइफ में वो कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए हम उसको प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू निकालेंगे और जब हमको निकल के आएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये कुछ दबा अनकॉन्शियसली हमारे मन में चल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फिर ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग इन प्रोजेक्टिव टेस्टिंग इन साइकोलॉजी ग्रेजुएट सेटिंग्स हैज रैपिडली डिक्लाइंड ओवर द पास्ट डिकेड और सो डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी। चलिए ये कोई खास बात नहीं, सॉरी एक मिनट, एक अच्छा यहाँ जाते हैं। हाउ प्रोजेक्टिव टेस्ट वर्क, किस तरीके से काम करता है। इन मेनी प्रोजेक्टिव टेस्ट पीपल आर शोन एन एम्बिगुअस इमेज एंड देन आस्क टू गिव द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट कम्स टू माइंड। यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि लोगों को, मतलब जिन पर हम टेस्ट एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, उनको हम कोई एम्बिगुअस सी इमेज दिखाते हैं, ऐसी इमेज जो क्लियर नहीं है, और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं कि पहला जो आपके मन में रिस्पॉन्स आ रहा है वो बताइए। तो द की टू प्रोजेक्टिव टेस्ट इज द एम्बिग्यूटी ऑफ द स्टिमुलाई, यानी कि जो स्टिमुलस उनको दिया जा रहा है उसका जो एम्बिग्यूटी, किस तरीके से हमने उसको छुपा रखा है, किस तरह से उसका रहस्य बरकरार रखा है, यही प्रक्षेपण जो हमारा तकनीक है, प्रक्षेपण परीक्षण है, उसका की है, उसका एकदम मूल है। According to the theory behind such tests, using clearly defined questions can result in answers that are carefully crafted by the conscious mind. देखिए सबसे ध्यान देने की बात कि अगर हम उनसे इस तरीके का परीक्षण बनाएंगे जिसपे क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चन है कि जैसे मैंने बोला ना अहिंसा किस प्रकार का गुण है या जातिवाद या कुछ इस तरीके की चीजें जो जिसका हम भले हमारे मन में वो चलता हो लेकिन हम उसका आंसर ऐसा देंगे केयरफुली क्राफ्टेड बाई दी कॉन्शियस माइंड, मतलब मन से सोच विचार के ढंग का उसको एकदम बढ़िया बना के तब उसका उत्तर देंगे अगर हम उनसे क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये when you are asked a straightforward question about a particular topic, you have to spend time consciously creating an answer. अगर आपसे particular topic पे direct question पूछा जाए तो हम उसका answer बनाने के लिए समय लेंगे और ऐसा आंसर देंगे जो कि अच्छा माना जाए। दिस कैन इंट्रोड्यूस बायसेस एंड इवन अनट्रुथ्स, मतलब हम पक्षपात करके जवाब दे सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, वेदर और नॉट यू आर ट्राइंग टू डिसीव द टेस्ट प्रोवाइडर, मतलब ये हो सकता है कि हम आपको धोखा नहीं भी देना चाह रहे तब भी हम कुछ ना कुछ पक्षपात कर जाएंगे या हम कुछ झूठ बोल जाएंगे आंसर देने में। फॉर एग्जाम्पल A respondent might give answers that are perceived as more socially acceptable or desirable, है ना, कि वो व्यक्ति, वो बंदा, वो जिस पर एडमिनिस्टर किया जा रहा है परीक्षण, परीक्षार्थी जो है हमारा, वो ऐसा उत्तर देगा जो समाज जिसको एक्सेप्ट करे, समाज के लिए जो वांछनीय हो, not the most accurate reflection of their true feelings or behavior, मतलब उसके मन में जो चल रहा है, उसका जो व्यवहार है, उसका reflection ना देके वो socially desirable आपको answer दे देगा। इसलिए क्या करते हैं, by providing you with a question or stimulus that is not clear, your underlying and unconscious motivations or attitudes are revealed. इसीलिए आपसे हम कोई unclear सा question पूछेंगे तो आपके मन में जो चल रहा हो वो निकल कर आ जाएगा उसके थ्रू। कैसे निकल कर आएगा, देखिए, the hope is that because of the ambiguous nature of the questions, people might be less able to rely on possible hints about what they think the tester expects to see, क्योंकि चीजें क्लियर नहीं है इसलिए उसको भी पता नहीं है कि वो उसको बताने के मतलब मार्ग में बताते हुए कुछ ऐसा बता जाएगा जिससे जो परीक्षण करता है वो उसको हिंट मिल जाएगा उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। इसीलिए ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है इनका एडमिनिस्ट्रेशन हर कोई नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक, फिर अच्छा एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है कि आप किसी एक टूल का वर्णन कीजिए पर्सनालिटी नापने के लिए, तो आप प्रोजेक्टिव टेस्ट में से ही कोई टेस्ट पढ़ेंगे, कोई टेस्ट तैयार करेंगे, तो वो कई हैं इसमें दे रखे, मैं आपको बता रही हूँ, रोशा इंग्लॉट टेस्ट और TAT यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, आगे बताऊंगी। तो इन दोनों में से किसी एक टेस्ट को तैयार कर लीजिए, लेकिन उसकी भूमिका वहां से लिखी जाएगी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी पर्सनैलिटी नापने के लिए, प्रोजेक्टिव टेस्ट का की पॉइंट क्या है, कैसे आपको एम्बिगुअस स्टिमुलाई दिया जाता है, क्यों एम्बिगुअस स्टिमुलाई दिया जाता है, और तब आप परीक्षण लिखेंगे और फिर इसके बाद इसके जो चैलेंजेस हैं, यानी जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाई है इसको एडमिनिस्टर करने में या जो वीकनेसेस हैं वो डिस्कस करेंगे, तब जाके ये आंसर कंप्लीट होगा। यानी कि सिर्फ रोशा से शुरू हुआ और रोशा पे खत्म हो गया तो ये आंसर ऐसे नहीं लिखना है। ओके, अच्छा इसका जो प्रोनंसिएशन है ये रोशा है, ये थोड़ा सा फ्रेंच नाम है ना,
तो इसलिए फ्रेंच हैं कि स्विस हैं, स्वीडन के हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन रोशा होता है इसका। ओके अच्छा, रोशा इंग्लोटेस बहुत एक एकदम इंटरेस्टिंग टेस्ट है। क्या टेस्ट है कि दिस टेस्ट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट डेवलप्ड एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज। सबसे पहला भी है प्रोजेक्टिव टेस्ट और आज तक सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला भी है। और किसने बनाया? डेवलप्ड बाई स्विस साइकियट्रिस्ट हरमैन रोशा। एक स्विस साइकियट्रिस्ट हुए हैं हरमैन रोशा, उन्होंने 1921 में बनाई। सोचिए 2020 चल रहा है, 100 साल होने को है। तो ये टेस्ट है क्या? द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट कार्ड्स दैट डिपिक्ट एन एम्बिगुअस इंक ब्लॉट। देखिए हम सब लोग जब छोटे रहे हैं, आप लोग तो पता नहीं आप लोगों ने स्याही इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन हम लोगों के लिए स्याही की दवात आती थी और उसमें हम लोग धागा डालते थे और उसमें खूब स्याही लग जाती थी और दो कागज के बीच में उसको करके ऐसे रब कर देते थे, फिर खोलते थे तो कोई ना कोई चित्र बन जाता था, एकदम अलग, एकदम यूनिक। वो अब ड्रॉइंग से नहीं बन सकता। तो वो खेल हम लोगों ने बहुत खेला है और बहुत मजा आती थी उस खेल में। तो इन्होंने भी क्या किया है, दस डिफरेंट कार्ड लिए, दस, तो संख्या ध्यान देनी है आपको, आप ये नहीं कहेंगे 9, 11, नहीं, 10 लिए और उसपे उन्होंने एक एम्बिगुअस सा इंक ब्लॉट, मतलब स्याही का धब्बा है जो एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आकृति है। ये टेस्ट है। फिर करते क्या है इसमें कि पीपल आर शोन वन कार्ड एट ए टाइम, लोगों को एक बार में एक कार्ड दिखाया जाता है और क्या कहा जाता है उनसे, एंड आस्क टू डिस्क्राइब व्हाट दे सी इन द इमेज, और उनसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि आपको इस आकृति में क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं, उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या अच्छा दिख रहा है क्या बुरा दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है। तो जो हम हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी है, हम इजी गोइंग हैं, फन लविंग हैं, या हम डिप्रेस्ड हैं, या हम जो भी हमारी पर्सनैलिटी का यूनिकनेस है, जो अनकॉन्शियसली हमारे मन में चल रहा है, वो हम मतलब उस इमेज को उसी रूप में परसीव करेंगे और उस हिसाब से बताएंगे और उस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी का सही चित्रण हो सकेगा। ये इसका मूल तथ्य है। तो क्या होता है कि the responses are recorded verbatim by the tester। जो टेस्टर है वो वर्ड बाई वर्ड उसको रिकॉर्ड करेगा। क्या? जो रिस्पॉन्स जो हमारा स्टूडेंट मतलब जिस पर परीक्षण कर रहे हैं वो बता रहा है। जेस्चर भी नोट करना है कि वो घबरा गया है, वो बहुत खुश हो गया है, वो बहुत एकदम किसी रोमानी हो गया, कौन सा जेस्चर है। द टोन ऑफ वॉइस, जो वॉइस का टोन है वो भी देखना है, एंड अदर रिएक्शन, सब कुछ नोट किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ जो उसने मुंह से बोला, हो सकता है कि जो चेहरे से दिख रहा है और जो वो बोल रहा है उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, वो दोनों एक दूसरे के सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, तो सब कुछ नोट किया जाता है। इसीलिए इसकी टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज टू टफ एंड एवरीबडी कैनॉट एडमिनिस्टर दिस रोशा ऑन एनी वन। ओके, फिर क्या करते हैं, यदि रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द विच ऑफ द मेनी एग्जिस्टिंग स्कोरिंग सिस्टम्स या एग्जामिनर यूज़, इसका मतलब इसके बहुत सारे स्कोरिंग सिस्टम भी हैं तो ये वेरी भी कर सकता है इसका रिजल्ट। तो ये हो गया रोशा का। अगर आप रोशा को इन डिटेल पढ़ रहे हैं, ये चूंकि मैंने टीएटी के संग और कई चीजों के संग है, इसलिए मैंने डिटेल नहीं है, लेकिन इसके आप किताब में देखेंगे तो आपको ये परीक्षण मिल जाएगा। इसके 10 टेस्ट की चित्र भी दिख जाएंगे आपको, आप खुद देखिएगा वो आपको किस तरीके से दिखते हैं और हर आदमी उसको अलग तरीके से परसीव करता है और अपनी अनकॉन्शियस कॉन्शियस फीलिंग के संग मिला के उसको लिखता है, तो इस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी का चित्रण मेजरमेंट किया जा सकता है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इस प्रोजेक्टिव टेस्ट का है वो है दी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टैट। तो टैट में क्या होता है, इसमें भी देखिए जो भी प्रोजेक्टिव टेस्ट होगा सब में एम्बिगुअस स्टिमुलाई ही आपको दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, इन दी टीएटी टेस्ट पीपल आर आस्क्ड टू लुक एट अ सीरीज ऑफ एम्बिगुअस सीन्स, यानी कि लोगों से क्या कहा जा रहा है कि कुछ जो सीन थोड़े क्लियर नहीं है, एकदम क्लियर पिक्चर नहीं है, अनक्लियर से आपके सीन्स दिखाए जा रहे हैं और आपसे क्या कहा जा रहा है, एंड देन टू टेल अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द सीन, और व्यक्ति से कहा जा रहा है कि वो जो सीन है उसके हिसाब से स्टोरी बनाइए उस सीन के हिसाब से। तो हम लोग जो सोचते होंगे, जो हमारी पर्सनैलिटी होगी, कोई जैसे मान लीजिए बड़ा एकदम हार्ड वर्कर होगा तो वो कहेगा कि मान लीजिए कोई ऐसा सीन दिखाई दे रहा है कि कोई घोड़े पर बैठा हुआ है, तो वो कह सकता है कि वो उसको चाहे जितनी तकलीफें आएंगी मार्ग में, लेकिन तब भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। कोई बहुत सैड होगा तो कह सकता है कि वो उससे उसकी प्रेमिका भी छड़ गई है, उससे उसकी कोई बहुत साथी उसका छूट गया है, वो उदास है। मतलब जो जैसा पर्सनैलिटी रखता है, जिसके दिमाग में जो चल रहा है अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली, वो सब कुछ निकल कर आ जाएगा अगर हम आपसे ओपन एंडेड पूछ रहे हैं ना, ओपन एंडेड, स्वतंत्र हैं आप बताने के लिए। हमें ये नहीं कहा कि दो शब्दों में इसका उत्तर दीजिए,
तो क्या होगा, दिस इंक्लूड्स डिस्क्राइबिंग व्हाट इज हैपनिंग, हाउ द कैरेक्टर्स आर फीलिंग एंड हाउ द स्टोरी विल एंड। जो अगर जिसने स्टोरी इस तरीके की बनाई जिसका हैप्पी एंडिंग है, इसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी प्लीजेंट है। जो स्टोरी सैड एंडिंग स्टोरी बना रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं दुख तकलीफ चल रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो काउंट की जाती हैं इसके मेजरमेंट में। फिर क्या होगा, द एग्जामिनर देन स्कोर्स द टेस्ट। तो स्कोर किया जाएगा, उसका स्कोरिंग की जाएगी, मतलब बेस्ड ऑन द नीड्स मोटिवेशंस एंड एंग्जाइटीज ऑफ द मेन कैरेक्टर। मतलब जो उसने स्टोरी बनाई है उसका जो मेन कैरेक्टर है उसकी आवश्यकता, उसके अभिप्रेरणा और उसकी जो चिंताएं हैं उसके हिसाब से स्कोरिंग होगी, एज वेल एज हाउ दिस स्टोरी इवेंचुअली टर्न्स आउट। और कैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है और कैसे उसका एंड हो रहा है, उन सब के हिसाब से स्कोरिंग इसमें की जाती है। फिर एक और टेस्ट है इसका जो थोड़ा लेस पॉपुलर है, आप तैयार करेंगे तो रोशा या टीएटी तैयार करेंगे आपका काम चल जाएगा। फिर भी एक और है ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट। इसमें क्या कह रहे हैं कि उनसे कहा जा रहा है कि पीपल ड्रॉ अ पर्सन एंड द इमेज दैट दे क्रिएटेड इज देन असेस्ड बाय द एग्जामिनर। मतलब आपको कह दिया गया कि ड्रॉ अ पर्सन, बनाइए, कुछ बनाइए आप, तो आप क्या बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, बुरा बनाएंगे, विभत्स बनाएंगे कि मृदुल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ज्यादा नहीं डिस्कस करें। तो ठीक, अच्छा, तो हम लोगों ने बात की प्रोजेक्टिव टेस्ट की, फिर हमने बात की कि प्रोजेक्टिव टेस्ट में दो मेन है, रोशा और इंगलॉट, पर आपको नाम पता होना चाहिए कि ड्रॉ पर्सन टेस्ट भी एक टेस्ट है। वीकनेसेस क्या हैं इसकी, क्या कमजोरियां हैं, क्यों प्रोजेक्टिव टेस्ट इतना मतलब दिक्कत क्रिएट करता है, क्या दिक्कत क्रिएट करता है, आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इन थेरेप्यूटिक सेटिंग्स। इसकी सबसे पहली बात तो कि जो कह रहे हैं ना साइकोथेरेपी, मतलब थेरेपी से जुड़ा हुआ है, मतलब नॉर्मली लोगों के लिए नहीं है, जो थोड़ा कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मेंटल ट्रॉमा में चल रहा है उनके लिए ज्यादा सुटेबल है। फिर दूसरी बात क्या इसमें दिक्कत आती है, सम थेरेपिस्ट्स में यूज प्रोजेक्टिव टेस्ट एज अ सॉर्ट ऑफ आइस ब्रेकर टू इनकरेज पीपल टू डिस्कस इश्यूज और एग्जामिन देयर थॉट्स एंड इमोशंस। ठीक, व्हाइल प्रोजेक्टिव टेस्ट हैव सम बेनिफिट्स, ऐसा नहीं है इसके कुछ फायदे भी हैं, फायदे यही ना कि प्रोजेक्शन हो रहा है, आपकी सही पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ वीकनेसेस और लिमिटेशंस भी हैं, जैसे दे लैक बोथ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। जब हम लोगों ने, हम लोग जानते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसकी खास बातें होती हैं, जिसमें से वैलिडिटी रिलायबिलिटी बहुत मस्ट होना चाहिए उसमें। वैलिडिटी आप जानते हैं, वैलिडिटी का मतलब कि वो टेस्ट वही चीज नापे जिसको नापने के लिए वो बनाया गया है, पहली बात। और दूसरी बात कि बार बार अगर वो टेस्ट किसी पर अप्लाई किया जा रहा है तो उसको कंसिस्टेंटली अपना रिजल्ट शो करना है, लेकिन ये वैलिडिटी भी नहीं शो रखता है ज्यादा और रिलायबिलिटी भी नहीं। हो सकता है एक बार पर्सनैलिटी आपको कुछ निकल कर आ रही हो, दूसरी बार कुछ और निकल कर आ रही हो। क्यों? क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं, हम किस मूड में, कभी हम दुखी रहते हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी हम मूड ऑफ रहता है, कभी हम स्ट्रेस रहते हैं, कभी डिप्रेस रहते हैं, तो रिलायबिलिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं है। और वैलिडिटी के लिए भी हम नहीं श्योर हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी ही नापे। तो ये जो दो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा बड़ी इसकी कमजोरी के रूप में भर के आते हैं कि ये वैधता और विश्वसनीयता दोनों की कमी है प्रक्षेपण टेक्निक प्रक्षेपण परीक्षण में। फिर ये यही बता रहा है कि वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। फिर कह रहे हैं स्कोरिंग प्रोजेक्टिव टेस्ट इज हाईली सब्जेक्टिव। ये भी खास बात कि ये नहीं कि जो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट नहीं है, जो पर्सनैलिटी जिसका हम मेजर करने जा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है ना, ऐसा थोड़ी 2 into 2 = 4, तो दुनिया का कोई भी बंदा 2 into 2 करेगा तो 4 ही आंसर रहेगा। यहाँ तो इंटरप्रिटेशन करना है, और इंटरप्रिटेशन किस पे डिपेंड करता है, जो इंटरप्रिट कर रहा है, तो उसकी सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा इसकी स्कोरिंग को इफेक्ट करती है। और इसीलिए मैं स्कोरिंग करूं, मैं इंटरप्रिटेशन करूं, कोई और करे, कोई और करे, कोई और करे, में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। फिर the respondent answers can be heavily influenced by the examiner's attitudes or the test setting. जो एग्जामिन कर रहा है वो रेस्पॉन्डेंट के आंसर को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। ठीक, तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि इसकी कमियां हैं। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट हो गया, क्यों जरूरत पड़ी प्रोजेक्टिव टेस्ट को, की पर्सनैलिटी नापने के लिए, प्रोजेक्टिव टेस्ट करते क्या हैं, मेन प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या हैं और उनकी क्या कमियां हैं। ठीक, तो आपका ये आंसर आई थिंक तैयार हो गया कि हाउ डू यू मेजर पर्सनैलिटी थ्रू प्रोजेक्टिव टेस्ट, या वो पूछेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनैलिटी, एंड डिस्कस वन टेस्ट वन मेजरिंग टूल फॉर एसेसिंग पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी तो आप लोग जानते हैं, पर एसेसिंग टूल में गड़बड़ी करते हैं, तो वो आप गड़बड़ी मत करिएगा। ठीक है, चलिए, डन।